नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीटीआर में आज से नए पर्यटन सत्र की शुरुआत। आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। उत्तर बिहार में आज से होगी धान की खरीद। सेवा सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिलेगी डायरी। जसप्रीत बुमराह को लेकर चीफ सेलेक्टर ने दिया अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर बिहार में आज से होगी धान की खरीद। उत्तर बिहार में वर्ष 2022-23 के खरीफ फसलों की खरीद की शुरुआत आज यानी 1 नवंबर से शुरू हो गई है। वहीं अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ए ग्रेड के धान की कीमत 2060 रुपये प्रति क्विंटल और साधारण धान की कीमत 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की गई है। बताते चले कि खरीदे धान के बराबर फोर्टिफाइड चावल की प्राप्ति 1 नवंबर 2022 से 31 जुलाई 2023 तक ही मान्य होगी। आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। बिहार में हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में सभी नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी शामिल हैं। बताते कि आरजेडी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हैं। इन दोनों सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएंगी और उसी दिन नतीजे भी सामने आएंगे। फ्लाइट किराया में तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। छठ के बाद सभी प्रवासी बिहार से वापस से अपने अपने कर्मभूमि की ओर लौटने के प्रयास में हैं, लेकिन लौटे भी तो कैसे। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट, सभी में नो रूम की स्थिति। फ्लाइट की टिकटें पिछले 5 सालों में सबसे महंगी हो गई है। फ्लाइट्स का किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। आज यानी मंगलवार को पटना से दिल्ली जाने का फ्लाइट किराया 21,000 रुपए पार कर गया है। सामान्य दिनों में इस रूट पर विमान का टिकट 4,000 से 4,500 रुपए के बीच होता है। वहीं विमान के जरिए पटना से बैंगलोर जाने के लिए 23,000 और मुंबई जाने के लिए 25,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना से पहले सामान्य दिनों में पटना दिल्ली रूट पर किराया 2,500 से 3,000 रुपए तक रहता था। छठ के बाद 2-4 दिनों तक किराया अधिकतम 12,000 तक रहता था। वीटीआर में आज से नए पर्यटन सत्र की शुरुआत। बिहार के पश्चिम चंपारण में आज से यानी कि मंगलवार से पर्यटन सेवाओं की शुरुआत हो गई है। इसके तहत जंगल सफारी के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही यहां ठहरने वालों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि सभी पर्यटन सेवाओं की बुकिंग लोग ऑनलाइन ही करा सकते हैं। अब लोग करीब 6 माह बाद एक बार फिर यहां भ्रमण के दौरान बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, हिरण और भालू समेत अन्य जानवरों को देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग में दिक्कत से छात्र परेशान। बिहार के अभ्यर्थियों को डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा जब से आवेदन की शुरुआत की गई है, तब से सर्वर, कॉलेज प्रीफरेंस और पेमेंट आदि की समस्या सामने आ रही थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सुधार के लिए पत्र भेजा, तब जाकर पोर्टल में सुधार किया गया। बता दें कि साइट में सुधार किए जाने के बाद भी पोर्टल कछुआ चाल में चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग के लिए 2 नवम्बर तक का समय दिया है। थाईलैंड के लिए गया से सीधी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के तहत थाईलैंड की सेवा शुरू कर दी गई है। बता दें कि वर्ष 2020 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विमानों के गया एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। अगर इन विमानों की उड़ान की बात करें तो थाई एयर एशिया का विमान बैंकॉक गया बैंकॉक का विमान सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान भरेगा और थाई स्माइल एयर और सप्ताह में 7 दिन उड़ान भरेगा। इन सब के अलावा म्यांमार नेशनल एयरवेज की उड़ान गया यंगून के बीच 2 नवंबर से शुरू होगी। वहीं भूटान के ड्रक एयरवेज के विमान की उड़ान दिसंबर के पहले सप्ताह से संभावित है। 163 रुपए सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी की कीमतों में संशोधन किया गया है, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 283 रुपए तक की बड़ी राहत दी गई है। वहीं अगर हम 19.5 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,997 रुपए कर दी गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 2,110 रुपए 50 पैसे थी। यानी कि इसे कीमत में कुल 163 रुपए 50 पैसे की घटाया गया है। इसके साथ ही 47.5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 5,269 रुपए से घटकर 4,986 रुपए हो गई है। वहीं 14.2 किलो वाले सिलेंडर, 5 किलो वाले सिलेंडर और 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिलेगी डायरी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अगले सत्र से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दो चरणों में डायरी दी जाएगी, जिसका नाम मेरी डायरी होगी। पहले चरण में पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को ही डायरी दी जानी है, वहीं दूसरे चरण में नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को डायरी दी जाएगी। इस डायरी में वो सब कुछ लिखा होगा जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसमें यह लिखा रहेगा कि किस दिन किस विषय की पढ़ाई होगी, किस दिन छुट्टी रहेगी या किस दिन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शेड्यूल बना है। गर्मी और ठंडी में स्कूल का समय, त्योहार की छुट्टियां, सुरक्षित शनिवार, आपदा और बचाव के उपाय, चेतना सत्र की गतिविधियां, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत डायरी में दर्ज रहेगी। डायरी में शिक्षक नियमित तौर पर होमवर्क देंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी का ग्राफ हुआ दुगना। बिहार पुलिस के विशेष अभियान से अपराधियों की गिरफ्तारी का ग्राफ बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में इस बार सितंबर माह में दोगुने अपराधी जेल गए हैं। सितंबर माह में 40,000 से अधिक अपराधी जेल भेजे गए हैं, जबकि पिछले साल इस माह में यह आंकड़ा 19,724 था। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में कुल 40,131 अपराधी जेल गए हैं। इनमें 890 कुख्यात अपराधी हैं। इस दौरान पुलिस ने 17 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 3 अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। संजय जायसवाल ने किया तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। बीते दिन सोमवार को भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव युवराज हैं। कोरोना काल में बिहार के गरीबों की सेवा करने की बजाय तेजस्वी यादव दिल्ली और लंदन में घूमने गए थे। वे हर रोज फोटो के माध्यम से ही अपना विकास लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि धरातल पर उनके द्वारा किया गया विकास कहीं नहीं है। उपचुनाव के प्रचार में तेजस्वी लगा रहे जोर। बिहार में गोपालगंज और मोकामा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का आज यानी मंगलवार को शाम 6 बजे तक का आखिरी दिन है। ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उम्मीदवारों के लिए सुबह से मोकामा गए और बाद में गोपालगंज के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपेन्द्र कुशवाहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार से दूरी बना रखी है। विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक। विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार के नहीं जाने पर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मिंदा है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अनंत सिंह को जेल भिजवाया था। ऐसे में वो उनकी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कैसे करने जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को किनारे कर लिया है। गोपालगंज में भी यही हाल है। यहां राजद ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो कि सबसे बड़ा शराब माफिया है। नीतीश कुमार की शराबबंदी पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की राजद ने धज्जियां उड़ा दी है। चिराग पासवान बोले पीएम मोदी से मिलकर लेंगे फैसला। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिन मोकामा में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में रोड शो भी किया। हालांकि चिराग पासवान ने साफ किया कि वे अभी एनडीए में नहीं है। इस महीने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बात होगी। पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद ही एनडीए और सरकार में शामिल होने पर फैसला होगा। जसप्रीत बुमराह को लेकर चीफ सेलेक्टर ने दिया अपडेट। आगामी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए किए गए टीम के ऐलान में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि बुमराह इंजरी के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, जिसके बाद मोहम्मद शमी को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। चेतन शर्मा ने माना कि हमने जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन बांग्लादेश सीरीज में हम उनको लेकर किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि बुमराह जल्द वापसी करेंगे, एनसीए उनके साथ काम कर रहा है। बिहार में आज पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जहां पटना में पेट्रोल की कीमत में करीब 82 पैसे की कमी देखने को मिली। पटना में आज 107.30 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 94.09 रुपए प्रति लीटर है। पटना के अलावा पूर्णिया, औरंगाबाद, जहानाबाद, भभुआ, छपरा और सीतामढ़ी में तेल के दाम गिरे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया में पेट्रोल डीजल के रेट में हल्की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए प्रति लीटर है। वहीं राज्य के दरभंगा में पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे की वृद्धि हुई है। बता दें कि आज सबसे महंगा पेट्रोल किशनगंज जिले में मिल रहा है। यहां पेट्रोल के रेट 109.35 रुपए प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है भीम कुमार गुप्ता, अमन, मृत्युंजय कुमार, कुमार कौशल सिंह, महेश दास, अर्जुन राम, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, अरुण पंडित, के सिन्हा, मुटू रंगीला, रंजित मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद नौशाद, रजा, उमेश ऋषिदेव और कुलदीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली डायरी से शिक्षा व्यवस्था के स्तर को सुधारने में कितना मदद मिलेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।